तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इस वाले वीडियो में कि हम लोगों का जो डिलीवरी ऑर्डर है वो किस तरह से काम करता है। तो चलते हैं सेल्स में। हालांकि अभी तक कोई भी डिलीवरी कॉन्फ़िगर नहीं करा हुआ है। सो लेट्स सी हियर एंड गो टू दैट। लेट मी गो टू द सेल्स कॉन्फ़िगरेशंस डिलीवरी एंड हियर इट इज़ नॉट अपडेटेड कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। कोटेशन एंड ऑल, यहाँ पर डिलीवरी का शिपिंग का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर डिलीवरी हम लोग देख लेते हैं एंड इसको कर लेते हैं सेव। सो ये सारा जो आपको दिख रहा है ये आपको दिख रहा है सारा एंटरप्राइज में अवेलेबल है। तो लेट्स सी गो ऑन दैट एंटरप्राइज। और अब हम लोग क्या करेंगे मतलब कि सेल्स में आके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में आकर हम लोग इस वाले ऑप्शंस को देखेंगे एंड सारे पे मेथड्स जो भी शिपिंग मेथड्स हैं सारे को देखेंगे यहाँ पर। और अभी क्या होता है कि दो तरह से हम लोग डिलीवरी, एक तो हम लोगों का एक प्रोडक्ट होता है जो बहुत सारा छोटा रहता है तो छोटा के लिए हम लोग अलग कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे एंड एक वेटेड वेटेड प्रोडक्ट रहता है। जैसे कि किसी कोई प्रोडक्ट है वो कार से ले जाने लाइक है तो उसको शिफ्ट करने के लिए किस तरह से हम लोग करेंगे। तो उसमें हम लोग कुछ क्राइटेरिया लगा देंगे। 100 किलो अगर रहा या फिर 30 किलो रहा या 30 किलो रहा 30 किलो से ज़्यादा तो वो 20 रुपया पर 20 रुपया 20 रुपया नहीं तो 200 100 रुपया हम लोग उस पर चार्जेस लगा देंगे। अगर 100 किलो से ज़्यादा रहा और उसका वेट बहुत ज़्यादा रहा तो हम लोग उस हिसाब से उस पर 250 रुपया लगा देंगे। तो इस तरह कर कर के हम लोग उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। सपोज़ यहाँ तो फिक्स प्राइस है राइट। तो फिक्स प्राइस में क्या है कि कुछ नॉर्म प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। जस्ट नॉर्मली हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं मेथड्स का एंड फिक्स प्राइस एंड उसको जो हैवी वेटेड वाला रहता है उसको हम लोग बेस प्राइस एंड रूल्स में लेके जाएंगे उस वाले में लेके चलेंगे। एंड फिक्स प्राइस में भी कोई भी रुपया नहीं लगेगा गाइस क्योंकि वो बहुत ही छोटा है तो उसमें कोई भी शिपिंग चार्जेस नहीं। आप अगर शिपिंग चार्जेस लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो शिपिंग चार्जेस ठीक है। एंड नेक्स्ट कंपनीज या फिर आपको डिलीवरी प्रोडक्ट डिलीवरी सेवन स्टैंडर्ड डिलीवरी, तो स्टैंडर्ड डिलीवरी नाम से एक मेथड बना हुआ है गाइस यहाँ पर। आप बहुत सारे मेथड्स हैं ये एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर एडेड है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ तो यहाँ पर आपको थेडक्स मिल जाएगा, थेडक्स के बाद आपको यूपीएस मिल जाएगा एंड फीडियस बहुत सारा। हाँ सी प्रोटेक्ट रॉकेट मिल जाएगा। सी दिस इज़ द सी प्रोकेट गाइस। सारा बहुत सारे चीज़ें गाइस जिसमें हम लोग मैनेज कर सकते हैं। एंड उसके बाद लेट्स क्लिक ऑन दैट डिलीवरी ओनली एंड लेट मी चेक दोज थिंग्स। सपोज अगर फिक्स प्राइस वाला बेस्ड ऑन प्राइस है तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन लगा सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया है यहाँ पर लगा हुआ है। अगर 5 kg से ज़्यादा उसका वॉल्यूम रहा 5 से ज़्यादा रहा तो $20 पर चार्जेस उस पर कटे लगेंगे। और अगर 50 रहा उसका डिलीवरी कॉस्ट अगर 5 से ज़्यादा रहा 5 से छोटा रहा तो उस पर 20 लगेगा और 5 से ज़्यादा रहा तो उस पर 50 लगेगा। सपोज़ वो 100 या 300 kg उसका वॉल्यूम रहा तो हम लोग यहाँ पर को डिलीवरी कॉस्ट ₹300 लगा सकते हैं ठीक है। तो दीज आर द कंडीशंस गाइज हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एंड आपको ऐड करना है तो आप और भी सारा चीज़ लगा सकते हो यहाँ से। आप अगर यहाँ पर 100 कर दो एंड मोर देन 100 वहाँ था नहीं तो यहाँ पर हम लोग प्राइस क्रॉस प्राइस 300 है तो यहाँ पर 150 लगा देंगे ठीक। सो दिस इज वी हम लोग यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं एंड इसको सेव कर देते हैं। सो अभी पब्लिश्ड नहीं है इसको पब्लिश करने के लिए अभी ये पब्लिश हो चुका है अभी अनपब्लिश पब्लिश कर देते हैं इसको ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग वी कैन कस्टमाइज अवर डिलीवरी अल्सो यह एंड बहुत सारा APIs मिलता है गाइज हम लोगों को। तो APIs हम लोगों का जो भी थर्ड पार्टीज़ क्या बोलते हैं थर्ड पार्टीज़ कनेक्टर है
डिलीवरी कनेक्टर है उसका हम लोग सीक्रेट की एंड उसका सीक्रेट की एंड वे वो यूज़ करते हैं इसमें कॉन्फ़िगर करने के लिए एंड एपीआई से कनेक्ट करके हम लोग इसको विजिबल करते हैं वेबसाइट में, तो ये वर्क प्रॉपरली करता है। एंड थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गाइस किस तरह से और भी हम लोग डिलीवरी के बारे में जान सकते हैं। और फिलहाल और मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आप लोगों को, हम लोग अब ये देखेंगे कि किस तरह से अगर हम लोग जैसे कि अगर हम लोग कोई कस्टमर ऑर्डर करता है वेबसाइट से या फिर कोई भी इन्वेंट्री से ऑनलाइन, तो वो क्या वो अगर 5 तारीख को ऑर्डर कर रहा है तो वो कितने दिन में वो पहुंचेगा, तो ये वाला सिनेरियो हम लोग कुछ सेट करेंगे अब कि वो 10 तारीख को पहुंचेगा या फिर 11 तारीख को पहुंचेगा, तो वो किस तरह से मैनेज करते हैं उड़ू में हम लोग वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सेल्स में एंड सेल्स में जाकर यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे सपोज़ ये वाला एंड इसमें डिलीवरी हम लोगों को दिखा नहीं रहा, राइट। सो लेट बी फर्स्ट हियर एंड कम टू दैट कम्युनिटी पार्ट एंड सेल्स में आते हैं एंड यहाँ पर क्लिक करते ही क्रिएट इनवॉइस, के बाद यहाँ पर कंफर्म कर दिए और डिलीवरी हम लोगों को अभी तक नहीं दिखा, जस्ट अ मिनट। So let me add the delivery here. So first हम लोग अभी क्या करेंगे delivery को delivery online delivery and delivery website sale delivery so यहाँ पर हम लोग delivery को install कर लेते हैं इस वाले application में एंड जस्ट मिनट गाइज। और तो गाइज ये इंस्टॉल्ड हो गया है और हम लोग थोड़ा सा भी देख लेते हैं कि वो यहाँ से हम लोग चलते हैं डिलीवरी में इन्वेंटरी के बाद एंड सिक्योरिटी लीड लीड टाइम फॉर सेल्स, यहाँ इसको सेव कर देते हैं गाइस यहाँ पर आकर एडवांस शेड्यूलिंग में। तो ये क्या होता है कि जब भी हम लोग ऑर्डर करने के बाद कितना दिन में वो डिलीवर हो जाएगा वो दिखाता है ये वाला फीचर। एंड सेल्स में आते हैं एंड सपोज this is that coupon promotions and all, so still delivery and let me order. So guys here delivery option यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है और ये यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है डेडलाइन, अगर ये 19 को ऑर्डर किया गया है तो 18-24 यहाँ से हम लोग इसको कर सकते हैं मैनेज। So let me first create those things, the settings and inventory and variant and days यहाँ से सेट करना होगा। आप लोग देख रहे हो तो मैं उसमें डेज सेलेक्ट नहीं किया था, सपोज़ ये मैंने 5 डेज सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ एंड सेव कर देता है इसको, ठीक है। अभी क्या करना है चलते हैं सेल्स में एंड एक फ्रेश कोटेशन क्रिएट करते हैं एंड ये 4 डेज का है एंड ऐड कर लेते हैं इस वाले प्रोडक्ट को एंड इसको करते हैं सेव एंड इसको कर देते हैं कंफर्म। जैसे ही कंफर्म करेंगे गाइस तो ऐड शिपिंग यहाँ पर का ऑप्शन आ रहा है एंड लोकल यहाँ पर 2 ऑप्शन है फ्री डिलीवरी चार्जेस एंड चेंजेस चार्जेस एंड द पास्ट एंड लोकल डिलीवरी, तो हम लोग यहाँ पर फ्री वाला ऐड करके रखेंगे ओके एंड तो भाई यहाँ पर हम लोगों को दिख जाएगा क्रिएट इनवॉइस
एजेंसी से ही हम लोग क्रिएट इनवॉइस करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को कंफर्म करना होगा। फिर उसके बाद डिलीवरी एंड डिलीवरी एड्रेस एंड ऑल अभी तक सेट नहीं किया है, इसका एड्रेस अभी सेट नहीं किया गया है। लेट मी फर्स्ट कैन रजिस्टर द पेमेंट फर्स्ट या तो यहाँ से हम लोग को डिलीवरी देख लेना है। एंड यहाँ पर आपको देख सकते हो आज जैसे कि शेड्यूल डेट है 13/5, तो ठीक 5 दिन बाद ये शो कर रहा है 18/5/24। तो ठीक अब 5 दिन हम लोग ने सेट किया था, तो डेडलाइन जो है यहाँ से ये दिखा रहा है 5 दिन बाद ये दिखाएगा। सो लेट मी वैलिडेट इट, अप्लाई, कन्फर्म। सो डिलीवरी इज़ डन हियर एंड आप देख सकते हो शेड्यूल डेट 13 तारीख को था और इफेक्टिव डेट 18 को था। सो दिस इज दट एंड लेट मी शो यू एंड दोज थिंग्स हियर। सो अभी हम लोग करेंगे इसको। सो डिलीवरी डेट्स हम लोगों को यहाँ पर फिलहाल अभी नहीं दिख रहा क्योंकि ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, बट डेट यहाँ आप देख सकते हो डिलीवरी ऑर्डर्स इनवॉइस 13 तारीख 3/18 को यहाँ पर पहुँच गया है, डिलीवरी ऑर्डर्स शिप्ड हो गया है। ठीक है, शिप्ड दिखा रहा है गाइस। ओके एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू दैट टाइम एंड कंप्लीट है गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वुड इंटरप्राइज के।